We are going to start circle practice set 6.3 महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9th. हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है. ठीक है, किसमें सर्कल हमें ड्रॉ करना है, इन सर्कल. ठीक है, इन सर्कल और सरकम सर्कल. सरकम सर्कल, अभी इन सर्कल क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल रहेगा उसको इन सर्कल बोलते हैं. ठीक है, द सर्कल विच टचेस ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल उसको हम क्या बोलेंगे, इन सर्कल. और सर्कम सर्कल क्या होता है, द सर्कल विच टचेस ओनली द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल. ये हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है. जो ऐसा सर्कल जो क्या करेगा, ट्राइंगल का जो भी साइड रहेगा उसको टच करेगा. ठीक है, उसको हम बोलेंगे इन सर्कल. और जब ट्राइंगल को ट्राइंगल का जो वर्टाइसेस है, ठीक है, उसको जब टच करेगा, ठीक है, ऐसा जो सर्कल रहेगा उसको हम बोलेंगे सर्कम सर्कल. अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर वन, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए सॉरी एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, बी सी इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री. कंस्ट्रक्ट इट्स इन सर्कल. इन सर्कल मीन्स ट्राइंगल के अंदर सर्कल आ जाएगा. सबसे पहले रफ डाइग्राम निकाल के लेते हैं. क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी और एंगल बी इज इक्वल टू कितना, 100 डिग्री. यहाँ पे 100 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, और ये ए लिख लेता हूँ, ये बी और ये सी. ठीक है, और आगे क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री. ये जो एंगल है ये 50 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद बी सी, बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू कितना, 6.4 सेंटीमीटर. बी सी है, यहाँ पे लिखेंगे 6.4 सेंटीमीटर. और ए बी इज इक्वल टू, अब आगे कुछ नहीं है, और आगे कुछ नहीं है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, कंस्ट्रक्ट करना है. देखते हैं क्या दिया, बी सी इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर. यहाँ से लिखेंगे 6.4 चाहिए, 6.4 सेंटीमीटर. ठीक, ये क्या आ जाएगा, बी सी. उसके बाद जो एंगल है ये कितना डिग्री का है, 100 डिग्री का है. ठीक है, एंगल बी 100 डिग्री का ड्रॉ करना है, एंगल बी 100 डिग्री का. 100 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये ड्रॉ करना है. यहाँ से ये ज्वाइन करेंगे इसको, ये कितना 100 डिग्री का एंगल है. ठीक है, उसके बाद हमें एंगल सी कितना ड्रॉ करना है, 50 डिग्री. एंगल सी 50 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है. इसके लिए दूसरा मार्कर यूज़ करता हूँ एंगल सी के लिए. हमें यहाँ से एंगल सी ड्रॉ करना है. और इसे भी ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको भी एक्सटेंड करते हैं थोड़ा. ये एक्सटेंड करने के बाद यहाँ तक आ जाएगा. ठीक है, थोड़ा सीधा लेना है. और इसको भी पूरा ज्वाइन कर दिया. ठीक है, ये क्या बन गया, ट्रायंगल ए बी सी. ये ए बी एंड सी, ये क्या मिला, ट्रायंगल है. ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, इसमें ये जो एंगल है ये एंगल कितना, 100 डिग्री है. और ये जो एंगल है ये 50 डिग्री. ये जो साइड बी सी दिख रहा है ये कितना, 6.4 सेंटीमीटर. ठीक, अब हमें इसका क्या करना है, इन सर्कल ड्रॉ करना है. ठीक है, कौन सा सर्कल, इन सर्कल ड्रॉ करना है. इन सर्कल ड्रॉ करना है तो फिर हमें क्या करना है, एंगल को बाइसेक्ट करना है. ठीक है, इन सर्कल ड्रॉ करेंगे तो एंगल को बाइसेक्ट करना है. इसको हमें बाइसेक्ट करना है तो फिर इसको यहाँ पे पॉइंट रखा. ठीक है, उसके बाद एक यहाँ से और एक यहाँ से.
ठीक है, एंगल क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। ये जो सेंटर से पकड़ के यहाँ से इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करके लेते हैं, मतलब ये एंगल को क्या किया हमने, बाइसेक्ट किया। ठीक है, उसी तरह ये जो एंगल भी दिख रहा है उसे भी बाइसेक्ट करना है। यहाँ पे रख के एक आर्क इधर, यहाँ पे साइड, और एक आर्क यहाँ पे। फिर अब इसे यहाँ पे है ना इंटरसेक्शन, इससे एकदम सीधा ड्रॉ करना है। इन दोनों, ये जो लाइन दिख रहा है ये वाला और ये वाला जो लाइन दिख रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे है। ठीक है, ये जो रहेगा उसको हम क्या करेंगे, सर्कल जो हम ड्रॉ करेंगे, इन सर्कल उसका यहाँ पे सेंटर लेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करके लेंगे। और ध्यान रहे ये क्या होना चाहिए, जो भी वर्टाइसेस है उससे टच होके जाना चाहिए। इस तरह से हमने क्या किया, सिर्फ टच होके जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, इन सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब इसका रेडियस भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो फिर देखो यहाँ से डॉटेड से दिखाता हूँ, डॉटेड से ये जो दिख रहा है ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, इन सर्कल ड्रॉ किया, कौन से ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ए बी सी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें क्या करना है, पी क्यू आर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू 70 डिग्री। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल आर इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्यू आर इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर। और हमें एंड कंस्ट्रक्ट इट्स सर्कम सर्कल। ठीक है, सर्कम सर्कल हमें ड्रॉ करना है। अब देखो सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते रफ डायग्राम, रफ फिगर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो एंगल ये अगर मैं क्या करता हूँ क्यू आर, ठीक है क्यू आर मतलब जो क्यू आर दिया कितना दिया 7.3 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद देखो ये एंगल पी दिया है, अगर ये क्यू आर है तो फिर ये पी रहेगा, पी क्यू आर ये ट्राइंगल है, ये 70 डिग्री है। ठीक है, फिर देखोगे यहाँ पे एंगल आर दिया है कितना, ये 50 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल क्यू पता है क्या, नहीं। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, एंगल क्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो हमें पता है सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ये 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा 120, और 180 माइनस 120 कितना 60 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब आगे लिख लेते हैं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यह हमें पता है। अब देखो एंगल पी पता है हमें, ठीक है पी पता है तो फिर लिख लिया 70 प्लस। एंगल क्यू पता है क्या, एंगल क्यू हमें नहीं पता, तो फिर लिखेंगे एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना है, एंगल आर कितना है यहाँ पे 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे क्या लिखेंगे, 70 प्लस 50 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे और सॉल्व करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, फिर यहाँ से लिख लेंगे एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, और कौन सा, सर्कम सर्कल वाला। तो
फिर सबसे पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है ये? ट्रायंगल PQR। सबसे इसमें सबसे पहले इसमें क्या दिया है? QR दिया है, दिया ना QR। फिर QR कंस्ट्रक्ट करके लेते हैं कितना? 7.3 सेंटीमीटर। 7.3 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। ये क्या है? QR कितना है ये? 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.3 सेंटीमीटर का क्या है? QR है। उसके बाद एंगल जो दिया है, एंगल R इज इक्वल टू क्या है? 50 डिग्री। यहाँ पे 50 डिग्री एंगल R, 50 डिग्री यहाँ पे आ गया। ठीक है, और एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 50 के लिए पहले ही ड्रॉ करके ले लेता हूँ, ज्वाइन करके ले लेते हैं 50 डिग्री के लिए। उसके बाद क्या दिया है? एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से 60 डिग्री यहाँ पे आ गया। ठीक है, कौन सा एंगल? एंगल R हमने क्या कितना ड्रॉ किया? 50 डिग्री। और ये एंगल Q है कितना? 60 डिग्री का। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये कितना लिखेंगे यहाँ पे? 60 डिग्री। और यहाँ पे लिखेंगे 50 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा P। अब हमें क्या करना है? सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, सर्कम सर्कल मतलब सर्कल विच टचेस ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो ट्राइंगल का हर एक वर्टिसेस को टच करें। अब जब सर्कम सर्कल ड्रॉ करेंगे उस समय हम क्या करेंगे? जो साइड रहेगा उसको बाइसेक्ट करना, मोर देन हाफ ले करके। ये दोनों साइड हैं, QR को मैं बाइसेक्ट कर रहा हूँ अभी। ये जो साइड है उसको हमने क्या किया? बाइसेक्ट किया। अब क्या करेंगे? PR को भी बाइसेक्ट करके लेंगे। कोई दो साइड को हमें क्या करना? बाइसेक्ट करना। कैसे? मोर देन हाफ ले करके। यहाँ से हमने ज्वाइन किया। अब देखो दोनों का जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों का इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये जो पॉइंट है उससे हम क्या करेंगे? जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे उसका सेंटर कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें ध्यान रखना है हर एक वर्टिसेस को क्या होना चाहिए? टच होना चाहिए। ठीक है, जा रहा है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ये हमारा क्या है? सर्कम सर्कल है। ठीक है, अब इसका रेडियस क्या है ये भी बता देते हैं डॉटेड लाइन से। ये क्या है? रेडियस है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया इसमें? कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल XYZ सच दैट XY इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर, YZ इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, XZ इज इक्वल टू 6.9 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट इट्स इन सर्कल। हमें क्या करना है? इन सर्कल ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, इन सर्कल जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जो इन सर्कल रहेगा वो क्या होगा? ट्राइंगल के अंदर रहेगा। ठीक है, एंड इट विल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो भी साइड से रहेगा उसको क्या करेगा? टच करेगा। ठीक है, अब उससे पहले हम क्या करते हैं? रफ डाइग्राम ड्रॉ करके ले लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं X, ये Y और ये Z। ठीक है, XYZ हो गया। उसके बाद हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है? ये लिख लेते हैं, इन सर्कल हमें बनाना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है। इन सर्कल मतलब कुछ ऐसा फिगर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा फिगर आ जाएगा। अब XY कितना है? XY 6.7 सेंटीमीटर, YZ 5.8 सेंटीमीटर, और XZ 6.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी के हेल्प से हमें क्या करना है? इन सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अब देखो XY कितना है? 6.7 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 6 4 5 6.9
7 सेंटीमीटर। इसके बाद ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स, यहाँ पे लिखेंगे वाई, 6.7 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो अब हमें क्या चाहिए, एक्स जेड चाहिए, ठीक है, कितना 6.9 सेंटीमीटर, पॉइंट नहीं दिख रहा यहाँ पे, 6.9 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 6.9 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, ये 6.9 सेंटीमीटर, यहाँ से क्या करेंगे, 6.9 सेंटीमीटर का एक आर्क लेंगे, फिर से 5.8 सेंटीमीटर का दूसरा आर्क, 5.8 सेंटीमीटर का, जो 6.9 के लिए था उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, अब देखो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, एक्स ये जो पॉइंट है जेड है ना, वाई जेड को ज्वाइन करना है और एक्स जेड को ज्वाइन करेंगे, एक्स जेड को भी ज्वाइन करना है, ठीक है, ये थोड़ा बाहर जा रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, इन सर्कल ड्रा करना, मतलब जो एंगल्स है उसको बाइसेक्ट करना है, एंगल को बाइसेक्ट करना है, फिर यहाँ पे और यहाँ से, फिर यहाँ से दूसरे कलर लेते हैं इसको, ये नहीं, ये यहाँ से देखो ये जो दिख रहा है इसी के बाद का पूरा पास होना चाहिए, मतलब ये जो एंगल है उसको हमने क्या किया, बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब सिमिलरली इससे एंगल जो एक्स है उसे भी हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, ये पॉइंट पे रखा, उसके बाद ये यहाँ पे रखा और इससे एकदम सीधा जाना चाहिए, अब देखो यहाँ पे दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों एक पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया ना, ये जो हमने बाइसेक्ट किया एंगल को, ये यहाँ पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया, अब ये जो पॉइंटों से सर्कल का सेंटर कंसीडर करेंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे, इन सर्कल ड्रॉ करेंगे, इन सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये मिल गया इन सर्कल, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें रेडियस भी निकाल लेते हैं, रेडियस ये सेंटर है, ठीक है, ये जो है सेंटर, सेंटर से यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं, ये क्या मिल गया, रेडियस। इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, हमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, इन ट्राइंगल एल एम एन, एंगल एम इज एल एम, एंगल नहीं ये एल एम है, एल एम इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, एंगल एम इज इक्वल टू 105 डिग्री, एम एन इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, देन ड्रॉ एल एम एन, यहाँ पे ड्रॉ रहेगा ट्राइंगल एल एम एन, ठीक है, ड्रॉ क्या लिखेंगे, ट्राइंगल लिखेंगे, ड्रॉ ट्राइंगल, बुक में नहीं दिया लेकिन यहाँ पे लिख लेंगे, ड्रॉ ट्राइंगल एल एम एन एंड कंस्ट्रक्ट इट्स सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल कंस्ट्रक्ट करना, मतलब जो ट्राइंगल रहेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, जो सर्कल रहेगा, ठीक है, ट्राइंगल नहीं सर्कल रहेगा, वो क्या करेगा, जो वर्टाइसेस है ट्राइंगल का उसको टच करेगा, ठीक है, ऐसा क्या मिलेगा हमें, सर्कम सर्कल। अब ये जो एंगल दिख रहा है वो कितना रहेगा, 105 डिग्री का, ठीक है, ये क्या लिखता हूँ एम, यहाँ पे लिखता हूँ एल, ये एम और ये एन। अब देखो आगे क्या दिया है, एम एन दिया, एम एन कितना लिखोगे यहाँ पे, ये 6.4 सेंटीमीटर, और एल एम कितना लिखोगे, एल एम इज इक्वल टू 7.2
टू सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना है, ये हमारा रफ फिगर है, ये हमारा क्या है, रफ फिगर है, ठीक है। रफ फिगर की हेल्प से हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है सर्कम सर्कल, ठीक है। अब उससे पहले हमें क्या चाहिए, एम एन ड्रॉ करना है कितना, 6.4 सेंटीमीटर का, 6.4 सेंटीमीटर का, 6.4 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ एम और ये एन, ये जो डिस्टेंस है कितना, 6.4 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें कौन सा, कितने डिग्री का एंगल चाहिए, 105 डिग्री का, 105 डिग्री का एंगल, 105। यहाँ पे कितना है, 100 के बाद आ जाएगा 105 डिग्री, 105 डिग्री का एंगल आ गया। फिर यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, 72 डिग्री चाहिए ना, सॉरी 72 डिग्री नहीं, जो हमें एल एम है, ठीक है। एल एम कितना है, 7.2 सेंटीमीटर है, एल एम कितना है, 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर का हमें क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना है, 7.2 यहाँ से आ जाएगा, 7.2। और इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, एल है, ठीक है। और इसका हमें क्या करना है, सर्कम सर्कल ड्रा करना है, सर्कम सर्कल ड्रा करना है मीन्स जो साइड्स हैं उसे बाइसेक्ट करना है, कैसे, मोर देन हाफ लेकर के, इस साइड यहाँ पे रखेंगे तो इस साइड यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन, और यहाँ पे कट कर रहे हैं, और इसे हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। जब ज्वाइन करेंगे इस ये दोनों को, यहाँ पे ज्वाइन किया, इसके बाद और क्या दिया हमने, क्या किया एम एन को, साइड एम एन को क्या किया, बाइसेक्ट किया, ठीक है। सिमिलरली हमें साइड एल एन को भी बाइसेक्ट करना है मोर देन हाफ लेकर के, साइड आर्क साइड, उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे रखना है, इस पॉइंट पे यहाँ पे आ गया और यहाँ पे। अब फिर से देखो दोनों का हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर इससे थोड़ा क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे क्या मिला हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे, इसे हम क्या करेंगे, जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे सर्कम सर्कल, उसका हम सेंटर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करें, ट्रायंगल नहीं सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो सेंटर है ना, यहाँ से रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर जो 4 है कंप्लीट किया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल डी ई एफ सच दैट डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल एफ इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। ऐसा हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अब ये एक एंगल 45 है और दो साइड इक्वल है, मतलब ये कुछ राइट एंगल ट्राइंगल की जैसा दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें क्या दिया, ये देखो डी ई और ये एफ, मतलब ये दोनों साइड जो हैं डी और ई एफ इक्वल है ना, ये कितना है 6 है, तो ये भी 6 और एंगल एफ इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया, ठीक है। और जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो फिर ऐसा आ जाएगा, कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है, जो रहेगा सर्कम सर्कल, क्लियर है।
अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। फिर यहाँ से कितना सेंटीमीटर का चाहिए, 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर, 5, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो आ गया क्या हमने ड्रॉ किया, ये एफ हो गया, ठीक है, कितना सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या चाहिए, 6 सेंटीमीटर डी और ई भी चाहिए, कितना, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। डी ड्रॉ कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर आर्क लेंगे, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, मतलब ये दोनों जो डिस्टेंस रहेगा सेम रहेगा ना, ठीक है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे जो एंगल हमें बताया है, ठीक है, ये कौन सा एंगल, 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री चाहिए, तो फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से ड्रॉ करके लेते हैं, प्रोटेक्टेड का यूज़ करेंगे, ये मिल गया 90 डिग्री, और ये सीधा एकदम स्ट्रेट में ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ तक। ये जो पॉइंट है कौन सा, ये डी है, ठीक है। उसके बाद ये तो 90 मिल गया, फिर यहाँ से हमें क्या चाहिए, 45 डिग्री चाहिए, 45 डिग्री, फिर ये इससे ज्वाइन करेगा, यहाँ पे आ रहा है ना, 45 डिग्री पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो ये एंगल 45 डिग्री मिल गया। उसके बाद ये जो डी आर ई है, ये भी 6 सेंटीमीटर का मिल गया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ सरकम सर्कल। सरकम सर्कल ड्रॉ करना है तो फिर क्या करेंगे, जो साइड से उसे बाइसेक्ट करना है, साइड को बाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहले ई और एफ को बाइसेक्ट करते, कैसे, मोर देन हाफ ले करके, पॉइंट एफ पे रखा था, अभी ई पे रखते हैं, देखो दोनों, अभी इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ये यहाँ से आ गया। इसके बाद डी और एफ को भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कोई दो साइड को बाइसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दो साइड को हम बाइसेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें कॉमन पॉइंट मिलेगा, ठीक है, वहाँ से हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। मैंने क्या किया, जो साइड है डी और एफ है उसे बाइसेक्ट कर दिया। अब यहाँ से क्या मिलेगा, इसके बाद ये जो लाइन है, ठीक है, और इन दोनों के बीच के यहाँ पे जो दिख रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे दिख रहा है ना, अब इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या करेंगे, सर्कल का सेंटर कंसीडर करेंगे और सरकम सर्कल ड्रॉ करेंगे, सरकम सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब हाँ, ध्यान रहे, सर्कल ड्रॉ करने से पहले क्या करना है, जो ट्रायंगल, अगर सर्कम सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल का वर्टाइसेस से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले क्या करना है, चेक करना, उसके बाद पूरा सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।